हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ फुल वॉच करना, बिकॉज आप पूरा वॉच करोगे क्योंकि बहुत सारे रूल्स बताए हैं मैंने जो कि आप फॉलो करोगे तो ही आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो और सक्सेसफुल रहेगा। और आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं खुद को कैसे चैलेंज देती थी, कौन सा डाइट प्लान फॉलो करती थी जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर थी। मेरा 74 kg था और कैसे मैंने इन अ हेल्दी वे में अपना 21 kg कम किया है। आज मैं 53 kg की हूँ। सो वही डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए ना, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है जब आप इसे वीडियो को शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं जब आप लोग करते हो। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, शेयर दिस वीडियो ने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लाइक दिस वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल अगस्त्य मोमेंट ब्यूटी। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हों और बहुत बढ़िया हों और सभी की जो वेट लॉस जर्नी है वो अच्छी चल रही हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ 7 days का वेट लॉस चैलेंज। यस, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग से ही आपने करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने आप को चैलेंज देते हैं तो हम थोड़े से सिंसियर हो जाते हैं उस चीज़ को, हम बहुत अच्छे से करते हैं जब हमें खुद से चैलेंज मिलता है। तो मैं आप सभी को चैलेंज देती हूँ 7 days का, जिसमें आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो पूरी लाइफ के लिए, एंड वो डाइट प्लान जो है वो आप पूरी जिंदगी फॉलो कर सको। उसी तरीके से आपका पूरा लाइफस्टाइल होता है, उसी तरीके से आपका वेट लॉस जर्नी होना चाहिए, करेक्ट? और ये बात को मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं भूलूंगी, चाहे मैं कितने लोगों का भी वेट लॉस करा दूं लाइफ में या चाहे मैं कितनी भी डिग्री हासिल कर लूं, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। जो मैं आज कहती हूं वही मैं हमेशा कहती रहूंगी कि डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, जिसे आप पूरी जिंदगी फॉलो कर सकें और जो आपके बजट में हो और जो आप डेली खाते हैं उसी से आपका वेट लॉस होना चाहिए, ठीक है? बट यहाँ पे जो मैं आपको चैलेंज देने वाली हूँ वो 7 days का चैलेंज है। और मैं आपको बता दूँ, ये कोई सस्टेनेबल डाइट प्लान नहीं है, ऐसे डाइट प्लान से जिंदगी नहीं चलती है, ठीक है? और दूसरी बात, जैसे कि हम 9 दिन का फास्ट रखते हैं, मैं इसलिए इतनी डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं समझते हैं और कहीं के कहीं कुछ और समझ ना लें, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज़ में कहते हैं ना, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा रहता है 700-800 कैलोरीज का डाइट प्लान खाने का, भूखे रहने का सुबह से लेके दोपहर तक, कुछ नहीं खा रहे हैं, बस वही ग्रीन टी, वही एक एप्पल खा लिया। ये ऑलरेडी लोगों के दिमाग में इतना कुछ रहता है कि हम भूखे प्यासे रह के वेट लॉस कर लेंगे, बट नहीं। इसलिए मैं इतनी डिटेल में समझा रही हूँ कि ये जो है वो 7 दिन का ही है और इसे आप खुद को चैलेंज करके दें, जिससे कि आप डिसिप्लिन में रहें और कुछ भी बाहर का ना खाएं कुछ भी, ठीक है? इसीलिए इसको चैलेंज क्यों होता है? चैलेंज इसलिए नहीं होता है कि आप उस डाइट प्लान को फॉलो करने वाले हैं जो मैं आपको देने वाली हूँ, क्योंकि वो जो मैं आपको देने वाली हूँ वो तो आपको लाइफ टाइम ही खाना है, इवन मैं भी खाती हूँ। चैलेंज उस चीज का है कि आपको क्या नहीं करना है उस 7 दिन में, उस पे स्टिक रहना है आपको। सो चैलेंज इज ऑल अबाउट दिस, नॉट फॉर द डाइट प्लान। दूसरा, सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करके वेट लॉस नहीं करना है, ठीक है? अगर आप बाकी चीजें नहीं कर सकते हो तो मत करो फॉलो, तो चैलेंज ही मत दो अपने आप को, ठीक है? और पहला, आपको शुगर छोड़ना है 7 दिन के लिए, चीनी नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी, किसी भी रूप में नहीं लेनी है, ना आपको व्हाइट शुगर लेनी है, ना आपको खांड लेनी है, ना ही आपको ब्राउन शुगर लेनी है, ना ही आपको हनी लेना है, ना ही आपको जैगरी लेनी है। मैं अपने आप को भी चैलेंज देती थी, ऐसा कुछ नहीं है। चैलेंज करने से क्या होता है ना, आपकी जर्नी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाती है, आप और जोश से भर जाते हो। खुद को चैलेंज देना एंड उस पर उतरना एक बहुत ही बड़ा अपने आप में एक एक्टिविटी है, सो यू टेक इट एज अ एक्टिविटी। इसमें आपको मजा भी आएगा, आपको एक डिसिप्लिन में रहना भी आएगा और आपका वेट लॉस भी होगा, ठीक है? सो ये मैं सितंबर का एंड मंथ का चैलेंज दे रही हूँ, जिससे आपका अच्छा खासा वेट लूज हो सकता है 3 kg। आपको मैं बताऊँ, मंथ में अगर आपका 3 से 4 kg, मैक्सिमम 4 kg बोल रही हूँ, ओनली मैं 2 से 3 kg बोलती हूँ, एक हेल्दी वेट लॉस होता है मंथ में,
एज अ डाइटिशियन के रूल के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि जो हेल्दी वेट लॉस होता है वो 2 से 3 किलो होता है पर मंथ, बट आजकल हम 10 किलो भी कम कर लेते हैं, आजकल हम 5 किलो भी कर लेते हैं इन अ मंथ में, आजकल हम एक दिन में 2 किलो भी कम कर लेते हैं, है ना। बट स्टिल दिस दैट इज अ अनहेल्दी वेट लॉस, बट उससे ऐसा नहीं है कि आप कुछ हो जाए आपकी, बट जो लोग इसको लंबे टाइम तक करते हैं ना उनको कोई ना कोई बीमारियां पकड़ लेती हैं एंड आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। तो ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि 2 से 3 किलो मंथ में आपका एक हेल्दी वेट लॉस होता है, बट इन दिस 7 डेज अगर आप 2 kg भी कम कर लेते हो तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू। 7 दिन में, चलो 8 दिन में भी समझ लो, एक दिन चलो इक्वल ले लेते हैं, 7 दिन या 8 दिन में अगर आपने 2 kg कम कर लिया ना तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू। आपको ये 7 दिन फॉलो करना है और आपको मुझे बताना भी है कि ये आपके ऊपर सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, बिकॉज सबकी बॉडी अलग होती है, सबके रिजल्ट्स अलग आएंगे। किसी का क्या पता 2 किलो कम हो, किसी का क्या पता 1 किलो कम हो। तो इट्स नॉट अबाउट द वेट यू आर लूजिंग इन अ 7 डेज, इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंट, इट्स अबाउट द डिसिप्लिन, इट्स अबाउट द डेडिकेशन यू आर गोइंग टू फॉलो इन दीज 7 डेज। सो पर्पस ये है, समझ में आई बात। अगर कम भी होता है वेट तो उसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे अब मैं बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया चीनी आपको छोड़नी है 7 दिन के लिए। दूसरी बात, आपको पानी 3 से 3.5 लीटर तक पीना है थ्रू आउट द डे, बिकॉज अभी सब जगह गर्मी ही पड़ रही है, ठीक है। 3 लीटर तो पीना ही है, सिप सिप करके पीना है, एकदम से नहीं पीना है। ये 2 बातें हो गई। तीसरा, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है इन 7 दिनों में, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना चीखना है, ना चिल्लाना है, ना गुस्सा होना है, ना टेंशन लेना है, कुछ भी नहीं करना है इन 7 दिनों में। एटलीस्ट इन दीज 7 डेज यू आर गोइंग टू टेस्ट योर सेल्फ, ये बहुत अच्छा मौका है, और ये टेस्ट करते करते आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, तो ये नहीं करना है आपको। चौथी चीज, आपको 10:30 बजे सो जाना है, बिकॉज 10:30 से 1 बजे के बीच ही आपके अच्छे वाले हॉर्मोन्स बनते हैं एक्चुअली में, जो वेट लॉस वाले होते हैं। अब इसको ज्यादा मैं आपको वो टेक्निकली टर्म्स में नहीं समझाऊंगी कि क्यों ऐसे होता है, क्यों होता है। जिनको थायराइड है ना उनको तो डेफिनेटली 200% 10:30 बजे सो ही जाना है, 10 से 10:30 के बीच में सो जाना है, क्योंकि 10:30 और 11 के से 1 बजे तक आपके अच्छे वाले हॉर्मोन्स बनते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके वेट लॉस में भी, एंड जो कि आपकी छोटी छोटी बीमारियां हैं ना उसको भी छूमंतर करते हैं, ठीक है। तो आपको इन 7 दिनों में 10:30 बजे सो जाना, पूरा 7 से 8 घंटे का आपको पूरा नींद लेना है। ये हो गया पांचवा रूल है ना। पहला शुगर, दूसरा क्या था, मैं खुद ही भूल गई। पहला शुगर है, दूसरा वाटर इनटेक का है, तीसरा नींद का है, चौथा स्ट्रेस का है, हाँ फिफ्थ ये है कि आपको 7 दिन तक कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, और घर में भी कोई भी फ्राइड फूड नहीं खाना है, लेस ऑयल फूड खाना है, ऑयल फ्री नहीं खाना है लेकिन लेस ऑयल खाना है। बहुत ज्यादा सब्जी में तेल मसाले नहीं होने चाहिए, हल्का, बहुत ज्यादा तेज नमक भी नहीं खाना है एंड बहुत ज्यादा कम भी नहीं खाना है, थोड़ा बैलेंस में नमक भी लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आती है छठी चीज, अगर आपने 6th पॉइंट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं इन 7 डेज का। 6th पॉइंट ये है, आपको वॉक भी करनी है एंड एक्सरसाइज भी करनी है। अब एक्सरसाइज के लिए मैं इन 7 दिनों में नहीं बोल रही हूँ आपको, बिकॉज फिर आपके 50 रीजन्स होंगे, किसी कोई 70 का है, कोई 60 का है, कोई 100 का है, कोई 150 किलो का है, तो उनको प्रॉब्लम होगी कि कौन सी वाली एक्सरसाइज करें, कौन सी ना करें, कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, है ना। तो सौ की सीधी बात एक चीज मैं बता देती हूँ, जुम्बा टीवी ऑन कर ले, टीवी में या मोबाइल में यूट्यूब खोले और उसमें टाइप करें बॉलीवुड सॉन्ग जुम्बा, ठीक है, ये टाइप करें। सिर्फ जुम्बा डांस टाइप ना करें, क्योंकि जुम्बा डांस जब आप टाइप करोगे तो वो टिपिकल जो जुम्बा के स्टेप्स होते हैं ना वो आप पे भारी पड़ जाएंगे, बिकॉज आपका वेट अगर ज्यादा है तो हो सकता है आपको इधर साइड में दर्द होने लगे, आपको पीठ में दर्द होने लगे, कुछ बहुत ज्यादा ये वाले स्टेप्स होते हैं जुम्बा में, जो कमर के पेट के बहुत ज्यादा फास्ट स्टेप्स होते हैं। तो अभी इन 7 दिनों में ना करें, बिकॉज अभी आपकी, क्योंकि जो डाइट प्लान है वो हल्की फुल्की वाली है, ठीक है।
तो इसीलिए सिर्फ उतने ही करें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बॉलीवुड सॉन्ग जुम्बा, जो सिंपल मतलब वो वाला जुम्बा निकल के आएगा जो गानों पे स्टेप्स होते हैं, किसी का भी आप लगा ले, आपको 35 मिनट करना है, ठीक है, मॉर्निंग में। और डिनर में आफ्टर 2 आवर, डिनर के 1.5 घंटे बाद आपको 35 मिनट to 45 मिनट वॉक करनी है। ये 7 डेज आपको करने ही है, 2 दिन, 7 दिन के लिए बोल रही हूँ भाई, पूरे महीने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज आप लोगों के पास वैसे भी इतना मैं एक्सरसाइज वगैरह बताती हूँ तो आप लोग बस टाइम नहीं रहता है, कहीं कुछ लग रहा है कहीं कुछ लग रहा है, बिकॉज अभी फेस्टिवल भी, अभी से भी एक गणपति फेस्टिवल है, ये 7 डेज का चैलेंज कर लो, इससे आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होगी, वेट लॉस भी होगा, जिससे आपका करवा चौथ दिवाली वगैरह ये निकल जाएगा, तो अगर 1-2 किलो ऊपर नीचे होता भी है ना तो आप उतने पे उतने ही रहोगे, है ना, और आपको फटाक से उसके बाद वेट लॉस भी हो जाएगा विद इन 3 से 4 दिन में, जितना आप चढ़ेगा आपका वेट गेन उतना उतर जाएगा। तो आपको ये 6 चीजें करनी ही है। अब ये जो डाइट प्लान है जो मैं आज दिखाने वाली हूँ, इसे कौन कौन कर सकते हैं, इसको सब कर सकते हैं, एक्सेप्ट दी फीडिंग मदर नहीं कर सकती हैं, शुगर वाले नहीं कर सकते हैं, बीपी लो हाई वाले नहीं कर सकते हैं, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी सीरियस डिजीज, कोई भी ऐसी डिजीज है जो आप फेस कर रहे हो तो बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले आपको 7:30 बजे मॉर्निंग की स्टार्ट करनी है इस वाटर से, इसमें मैंने कल रात में 8 किशमिश भिगो दी थी 1 गिलास पानी में, जो आपको भी करना है 1 दिन पहले, और 5 बादाम भिगो देने हैं, और इन दोनों को सुबह, पहले तो सुबह उठोगे तो आपने नॉर्मल पानी पीना है, उसके बाद फ्रेशन अप होना है, वेट करना है, वेट करने के बाद अपना वज़न मतलब नापना है और लिखना है, और उसके बाद आपने ये ले लेना है पूरा अंजीर, मैं तो डेली लेती हूँ, बिकॉज़ जो किशमिश वाटर होता है बहुत ही अच्छा, एक डिटॉक्स एंड एज वेल एज स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं अंजीर भी डालती हूँ, आपके पास अंजीर नहीं कोई बात नहीं, 5 बादाम और किशमिश रात के भिगो के रख देना है, बादाम का पानी फेंक देना है, छील कर 5 बादाम चबा चबा कर खाना है, और जो किशमिश का पानी आपने भिगो के रखा है, किशमिश हमेशा धोकर भिगोनी है अच्छे से, क्योंकि उसका वाटर हमने लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधे जुम्बा डांस करना है 35 मिनट के लिए, तो आपका ये 9 बजे तक हो जाएगा। 9 बजे नाश्ते में मूंग दाल भी रात में भिगो के रखनी है, अक्खा मूंग, उसको बनाना कैसे है, आप लहसुन भी डाल सकते हो, प्याज भी डाल सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ गणपति आए हुए हैं तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, तो मिर्ची और अदरक और दही थोड़ा सा डाला है, इसको ग्राइंड कर लिया है, और हम बनाएंगे स्टफ़, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है इसमें, और इस तरह से पानी मिक्स कर लेना है। और मैं आपको बता दूं, ये 1 ही दिन का डाइट प्लान है, 2nd डे का डाइट प्लान आपको कल मिल जाएगा, सो हफ्ते में आपको 2 नहीं मैं 3 डाइट प्लान दूंगी, जिससे कि आपका वो जो 7 डेज़ का ऑल्टरनेट डेज में आप रिपीट कर सको, ठीक है, और ऑप्शन भी दूंगी, इसका मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं बताया है इसीलिए कि आप ब्रेकफास्ट में अगर चीला नहीं तो कुछ और ले सकते हो, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती, आप जो मैं बता रही हूँ आप वैसे ही करो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट होम, सारी चीज़ें घर पर ही अवेलेबल हैं, कुछ मंगाना भी नहीं है। सो यहाँ पे पनीर का मैं सीजनिंग कर रही हूँ, उसमें मैंने काला नमक डाला है और ऑरिगेनो डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, पेरी पेरी मसाला डाला है, ये तीनों मैं रखती हूँ, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप हल्दी डाल दें, आप हींग डाल दें और आप नमक डाल दें, दैट्स इट, बस इससे ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए बस तवे पे इस तरह से फैला लेना है, और ध्यान रखें इसको स्लो आंच पे ही सेकें, और थोड़ा सा अच्छा कुरकुरा सिक जाए तब इसमें स्टफिंग करें। तो मैं बोल रही थी आपको कि जो डाइट प्लान है वो 7 दिन में 3 दूंगी मैं आपको, ठीक है, 3 दिन को आपको कैसे करना है, रिपीट कर लेना है, जैसे पहला यूज़ कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, तीनों डाइट प्लान 3 दिन में यूज़ हो गए, उसके बाद फिर से आप फर्स्ट से स्टार्ट कर दोगे, तो 6 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। 7वें दिन क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी, आपको इन 3 डाइट प्लान देने के बाद मैं बता दूँगी, डोंट वरी। सो ये देखिए हमारा स्टफ़ चीला बन गया है, आप इस तरीके के 2 चीला ले सकते हो ब्रेकफास्ट में अपने, 9-9:30 के बीच में हो जाना चाहिए, और ध्यान रखना है सब कुछ आपको चबा चबा के खाना है, इन 2 चीलों को आपको कम से कम 20 मिनट में खाना है, चबा चबा के खाना है, ऐसे नहीं कि 2 मिनट में दोनों ख़त्म कर लिए, ठीक है। और इसे चटनी के साथ, दही के साथ खा सकते हो, चाय नहीं लेनी है, चाय का मैंने आपको बोला है कि नो शुगर नो जैगरी, बट स्टिल फीकी चाय लेनी है तो ले सकते हो,
जो नॉर्मल अदरक और इलायची डाल के दूध डाल के आप ले सकते हो, बट चीनी और जैगरी कुछ भी नहीं डालना है। मैं तो ऐसे ही लेती थी, मैं फीकी ले लेती थी, मेरा तो सर भारी हो जाता था इसीलिए। वो भी एक टाइम लेनी है, मॉर्निंग में लो या फिर इवनिंग में लो, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सस्टेनेबल डाइट प्लान नहीं है, ये 7 डेज का चैलेंज है। सो दिस इज़ द चैलेंज फॉर यू, यही चैलेंज है। उसके बाद आपको 11 बजे अपना मिड ब्रेकफास्ट में एक एप्पल लेना है, जो कि अनिवार्य है, जनहित में जारी है, वो लेना ही है आपको, क्योंकि त्यौहार है, अगर नारियल है तो नारियल भी ले लें साथ में। अब आती है लंच की बारी 1:30 बजे, ठीक है। अब आती है लंच की बारी, लंच में आपको एक बाउल राइस लेना है, उसके साथ एक बाउल सैलेड में क्या लेना है, एक गाजर और एक बीट रूट, मतलब चुकंदर लेना ही है, अनिवार्य है, ये दो चीज़ें लेना ही है और कुछ नहीं लेना है। उसके साथ आपको लेनी है छोले की सब्ज़ी, जो कि लेस ऑयल में बनी है, एक कटोरी में लेनी है। अब इसमें रिपीट क्या हो सकता है, सैलेड रिपीट हो सकता है और एक कटोरी और आप ले सकते हो, राइस रिपीट नहीं होगा, आपने इतना ही लेना है, क्योंकि ये एक ही दिन का मैं बोल रही हूँ, इसीलिए राइस ले लो, खुशी की बात है आपको राइस खाने को मिल रहा है। अब देखो सब्ज़ी कोई भी नहीं लेनी है, कि कोई भी सूखी सब्ज़ी ले ले या आलू टमाटर की ले ली, नहीं, कोई रीज़न है, क्योंकि राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही हाई होता है, तो उसके साथ आपने छोले लेने ही हैं। छोले नहीं है तो राजमा नहीं है तो सोयाबीन की सब्ज़ी, ये तीन ऑप्शन है, कोई भी ले लो आप। हाँ, वो पापड़ जो है वो रोस्टेड पापड़ है, मूंग दाल का पापड़ है, फ्राइड नहीं, वो ऑप्शनल है, अगर आपने लेना है टेस्ट के लिए तो ले सकते हो। अब आती है शाम के 4:30 के बीच में, आपको लेना है रेड जूस, जो मैं 50 बार 100 बार बता चुकी हूँ, ये आपको मिड इवनिंग स्नैक्स में लेना है, एक बीट रूट, एक एप्पल और एक गाजर, और उसमें आपने डालना है अदरक और आधा लेमन और पानी, और घुमा देना है मिक्सी में, और उसको एक गिलास भर के आपका रेड जूस निकल जाएगा। ये भी शायद मंगाने की ज़रूरत नहीं यार, मैं इतने महीनों से बता रही हूँ तो ऑलरेडी आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती होंगी, नहीं है तो मंगा लो 7 दिन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया इवनिंग स्नैक, तो ये मैं आपने पीना है जूस, रेड जूस, वही 4 से 5 के बीच में, अगर आपने 2 बजे फिनिश किया है तो 5 बजे तक पी लेना है। आई बात डिनर की, डिनर में आपको ये पूरा भर प्लेट सैलेड लेना है, 7 बजे लेना है, ये ध्यान रखना है, 7:30 तक ख़त्म हो जाना चाहिए आपका डिनर। उसमें मैंने एक प्लेट भर के सैलेड लिया, एक पूरा खीरा लिया है, प्याज लिया है, टमाटर लिया है, गाजर भी डाल दिया, और भी कुछ ऑप्शन है आपके पास सैलेड के लिए वो ले सकते हो। दुनिया भर की चीज़ें नहीं मिक्स करनी है, कि आपने बीन्स मिक्स कर वो क्या कहते हैं राजमा बॉयल्ड मिक्स कर लिए, चना मिक्स कर लिया, ये सब नहीं करना है। और वैसे भी मैंने आपको बताया है एक ही दिन का है ये, आपको ऐसे थोड़े ना लाइफ टाइम खाना है, ठीक है। सो आई थिंक सुबह से आप लोग इतना खा ही रहे हो, तो शाम को अगर आपको मैं सैलेड दे रही हूँ, और यही नहीं अभी एक और बाकी है, डोंट वरी, एक और बाकी है अभी आपका मील। सो पहले आपको ये फिनिश करना है, उसके बाद आपको एक प्लेट भर के पपीता खाना है। पपीता एक ऐसा फ्रूट है जो आप रात में लेते हो ना तो वो बहुत फ़ायदा करता है, इसमें चाट मसाला लेमन वगैरह डाल के आपको खाना है। उसके बाद वो फिनिश किया प्लेट, दूसरी प्लेट बनाई हमने पपीते की, तो पपीता भी बहुत ही सस्ता आता है, 20 रुपये में बड़ा सा आ जाता है, क्योंकि मैं खुद लेके आई थी, मैं खाती हूँ, क्योंकि कभी कभार मैं सोचती हूँ कि भूख नहीं लगी, ना चावल खानी, ना रोटी खानी, कुछ नहीं खाना, ना सूप खाना, तो पपीता प्लेट भर के खा लो, इतना पेट फुल होता है, बिलीव मी, आप खाना, ठीक है। उसके बाद 7:30 बजे मैंने खा लिया खाना अपना, डिनर फिनिश किया, 9:30 बजे मैं गई वॉक पे नीचे। तो मैं एक्चुअली आपको दिखा रही हूँ कि वॉक करनी कैसे है, एक तो हम टहलते टहलते वॉक कर, और एक हम थोड़ा सा फास्ट करते, बहुत फास्ट भी नहीं करना है यार, बहुत ज़्यादा फास्ट भी वॉक कभी नहीं करना चाहिए, नॉर्मल स्पीड में। देखिए एक ऐसे हम टहल रहे होते हैं फ़ोन पे बातें आते हुए, है ना, है ना, ये उनके लिए जिनका वेट ज़्यादा है ना, जिनको तकलीफ़ है कुछ भी, लेकिन नॉर्मल थोड़ा सा और इसमें स्पीड में, जैसे ये वाली वॉक होनी चाहिए आपकी, है ना। तो ये आप 30 मिनट वॉक करें और सीधे फिर घर पर आएँ, बैठें, थोड़ा सा पानी वानी पिएं और बनाएं अपने लिए बैड टी, जो कि है सौंफ टी, और इसको आपने इस तरह से बॉईल करना है अच्छे से 2-3 मिनट तक, तो उसके बाद इसको पी लेना। सुबह नाइट टी पीने के बाद आपको 10:30 बजे सो जाना है, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ दिस डाइट प्लान, 10:30 बजे नहीं सोए तो पूरा डाइट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फिर भूख लगाएगी अगर रात में जागे आप तो।
तो चलो मिलती हूँ कल एक और डाइट प्लान के साथ, उसमें मैं कोई भी इंट्रो पार्ट नहीं दूंगी क्योंकि इस वीडियो में मुझे जो समझाना था वो समझा दिया है। ये 7 डेज़ के लिए सिर्फ डायरेक्टली डाइट प्लान आएगा 7-8 मिनट का। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एंड खूब सारे लाइक दें। मिलती हूँ कल आपसे।